हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू सांवला का संसार। आप सोच रहे होंगे मैं ये वीडियो कहाँ से चालू कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अपने बालों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मतलब लेंथ से नहीं बट जो करवाया था पहले, अब वो जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी ड्राई हो गया है तो एकदम टैंगल हो जाते हैं और मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, और मेरे को हेयर लाइन छोटी भी नहीं चाहिए। तो मैं अपने बालों का सोल्यूशन ढूंढने आ गई हूँ हबीब्स। तो आ चुके हैं हम लोग जावेद हबीब सलून, जो कि स्मृति नगर में है। और मैंने भैया को बता दिया है कि मेन प्रॉब्लम ये है कि मुझे लेंथ भी कम नहीं करनी, और केरा स्मूथनिंग के बाद 2 साल बाद मेरे बाल का जो मेन इशू है वो ये है कि ये काफ़ी ड्राई और टैंगल हो जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पहले तो हम भैया से ये समझेंगे, जो या कि हेयर इंचार्ज हैं, कि पहले तो इस पर ट्रीटमेंट कौन सा लिया जाए, और जो भी ट्रीटमेंट लेंगे ना हम, वो स्टेप बाय स्टेप आपको सब एक्सप्लेन करेंगे। अगर थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज पीछे काम चल रहा है तो हेयर ड्रायर वगैरह की आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और भैया से आपकी बात कराते हैं। आपका नाम? दिनेश। तो दिनेश भाई, आपको हेयर एनालिसिस करने के बाद क्या लगा, कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए? मैम ये एक्चुअली क्या है, जो जैसे मैंने आपके हेयर का टेक्सचर देखा है तो ये बहुत ड्राई हो चुके हैं। ओके, ठीक है। और इसकी जो प्रोटीन होती है, जो इलास्टिक सिटी होती है, वो पूरे खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो हम इसमें प्रोडक्ट के द्वारा बालों में हम प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसको हम नैनोप्लास्ट का भी बोलते हैं। इससे स्ट्रेट लुक भी आएगा, क्योंकि मुझे स्ट्रेट लुक चाहिए। इसमें स्ट्रेट लुक आएगा एंड आपको 60% तक आपके हेयर में शाइनिंग आ जाएगी अच्छी। ओके, और ये कितना लास्ट करेगा? ये लास्टिंग आपका रहता है 55 to 60 washes रहता है। अगर हम मंथ वाइज डिवाइड करें तो 9 months to 1 year तक समथिंग मान के चलो आपका रिजल्ट रहेगा। चलिए, मतलब आप लोग तो मेरे चैनल में बने ही हुए हैं तो आपको दिखेगा कि कितने मंथ लास्ट करता है। और अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। भैया आपको दिनेश भैया बताते जाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं और वो किस तरीके से आपके बालों को हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ भैया, अब फर्स्ट स्टेप हम लोग कौन सा कर रहे हैं? फर्स्ट हम शैम्पू कर रहे हैं बालों में। ओके, इससे बालों का क्यूटिकल ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम बालों में प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप विल बी शैम्पू करना। फर्स्ट शैम्पू कर रहे हैं बालों में। ओके, और यहाँ पे भैया ने शैम्पू करने के बाद फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, शैम्पू करना। अच्छे से मेरे बाल को सुखा रहे हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जा सके। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, मेरे बालों का कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुका है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। और ये बाल इतने टैंगल हो गए थे बेचारे भैया, इसको 10-20 मिनट से सुलझा रहे, यही एक प्रॉब्लम थी। बहुत टैंगल हो गए थे मैम के बाल। हाँ, और ये हमेशा होता है, मतलब दिन में कम से कम मुझे 7-8 बार कॉम करना है, नहीं तो वो शाम तक इवन ऑफिस में भी करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा हो जाता है, नहीं तो वो शाम तक जटाएँ बन जाती है। और ये प्रॉब्लम 1 साल पहले तक नहीं थी, बिकॉज मेरे बाल जो है नॉर्मल है, ना स्ट्रेट हैं और ना ही वो कर्ली हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम मुझे कभी भी पहले हुई नहीं। ये आफ्टर केरा स्मूथनिंग ये इशू आया मेरे को। चलो देखते हैं। तो बालों को डीटैंकल करने के बाद यहाँ भैया उसको ड्राई कर रहे हैं ताकि आगे स्टेप पे जाएं। और जैसे कि बाल मेरे बहुत बड़े हैं तो नेक्स्ट स्टेप करने से पहले उनको सेक्शंस करके क्लिप करना ज़रूरी है, वरना एक साथ करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे सेक्शनिंग हो रही है मेरे बालों की। सो आप देख सकते हैं दिनेश जी ने पूरे बाल को अच्छे से अलग अलग सेक्शंस में कर दिया है। फर्स्ट स्टेप तो था हमारा हेयर वॉश, फिर उसको ड्राई, पहले तो डीटैंगल किया अच्छे से, अच्छी तरीके से, और फिर ड्राई किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट हम वेला का हम एक्स्ट्रा स्मूथनिंग प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। ओके, साथ में उसके साथ हम वेला प्लेक्स का बॉन्ड मेकर अप्लाई करेंगे। ओला प्लेक्स की वेला प्लेक्स? वेला प्लेक्स, वेला प्लेक्स। ओके, ताकि जिससे कि बॉन्ड उनके जो डैमेज हो रहे हैं ना वो रिपेयर हो अच्छे से। अच्छा, और इसको कितने देर रखते हैं? ये विजुअल होता है, इसको चेक करते रहते हैं, चेक करते रहेंगे आफ्टर 30 मिनट के बाद। ओके ओके, ठीक है, डन। और यहाँ पे मेरे बालों में वही जो भैया ने कहा था वेला प्लेक्स का जो ट्रीटमेंट है वो भैया अच्छे से प्रॉपर प्लेस कर रहे थे।
तकरीबन बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया था, तो उन्होंने मुझे कॉफ़ी ला के दी। कॉफ़ी बड़ी अच्छी थी, जैसा कि मैंने कहा था मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाहिए रहती है, तो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बनाई थी। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट जो था ना, इतनी देर बैठना था बिकॉज ऑफ माई हेयर लेंथ। टोटल 6 से 7 घंटे का समय लगा था फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए। तो अब इस वाले प्रोडक्ट को हम लोग रिंस आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद क्या करेंगे बताएंगे आपको। और उसके बाद रिंस आउट करने के बाद अगेन फिर जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा, वो था बालों को ड्राई करना फ्रेंड्स। सो फर्स्ट स्टेप हो गया है। कौन सी क्रीम लगाई थी आपने? स्मूथनिंग क्रीम लगाया था। हाँ, उसको फिर वॉश कर दिया, सिर्फ मतलब वॉश किया, शैम्पू नहीं लगाया ना? शैम्पू नहीं किया। और आप देख सकते हैं बालों का रिजल्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो चुके हैं। हमने ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनिंग कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ ब्लास्ट ड्राई किया है हमने इसमें। हाँ, बालों को सुखाया हुआ है बस, और भी कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ऐसा है, बट स्टिल जो मेन मतलब एक तो स्ट्रेटनिंग मेरा कंसर्न था, और दूसरा था कि जो टैंगल और ड्राइनेस हो गई वो चले जाए। तो अब जो सेकंड स्टेप होने वाला आई गेस उससे हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। तो सेकंड स्टेप आप क्या करने वाले हो बताना एक बार। सेकंड स्टेप हम इसमें नैनो प्लास्टिका का प्रोडक्ट यूज करेंगे, जिसको BTR बोलते हैं। ओके, फॉर्मेल्डिहाइड फ्री रहेगा, वो हम अप्लाई करेंगे अभी बालों में। अच्छा, और उसको ऐसे लॉन्ग में छोड़ोगे कि उसको फिर हम फॉल पेपर से हम कवर करेंगे। और कितने मिनट रखना होता है? ऑलमोस्ट 50 to 55 मिनट रखते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर रखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो ये है नैनो प्लास्टिया का प्रोडक्ट, जो एक सेकंड में जूम इन कर लेती हूँ। ये नैनो प्लास्टिया का प्रोडक्ट जो मेरे बाल पे अप्लाई करने वाले, और इसको रैपिंग करके ऑलमोस्ट 1 आवर हमको छोड़ना है ना? ओके, चलो अगेन उस प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए मेरे बालों में पहले सेक्शनिंग हो रही है, फिर धीरे धीरे करके प्रोडक्ट अप्लाई होगा, और प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद ही फ्रेंड्स उस पर होगी रैपिंग। तो अभी और टाइम लगने वाला था 1.5 घंटा, और मैं यहाँ पे 11:15 बजे पहुँच गई थी। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो मैंने ये वेज राइस बाउल मंगा लिया अपने लिए, KFC का फेवरेट, यही मेरे पास में TI मॉल में KFC था, मैंने वहाँ से वेज राइस बाउल ऑर्डर किया है। और अब टाइम हो चुका था, तो भैया ने यहाँ पे जस्ट देख लीजिए रैप निकाला है। अब देखते हैं बालों का क्या हाल है। रैप हटाने के बाद बालों को ब्लोअर से अच्छी तरीके से ब्लास्ट ड्राई किया गया। आई रिपीट, बिना धोए डायरेक्ट ब्लास्ट ड्राई किया गया, ताकि अच्छे से उसका चिपचिपापन चले जाए। उसके बाद आयरन लिया गया, आयरन से उसकी स्ट्रेटनिंग की गई, ताकि वो जो प्रोडक्ट था वो बेटर तरीके से बालों पर डिपॉजिट हो जाए। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हम आयरनिंग करने वाले हैं बालों में। अच्छा, तो बालों में जो हम प्रोडक्ट लगाए हैं उसको पूरे अच्छी तरीके से हम पूरे आयरनिंग के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे बालों के अंदर। आयरनिंग हो चुकी है, अब एक वॉश और होगा, फिर एक कोई प्रोडक्ट लगेगा, और फिर उसके बाद एक और बार वॉश होगा, एंड देन ब्लो ड्राई। प्रोसेस काफ़ी लंबा है गाइज। सो अब फाइनली फर्स्ट थर्ड वॉश हो रहा है ना? थर्ड वॉश, इसके बाद एक और होगा। हम यहीं पे वॉश कर लेते हैं। अच्छा, कंडीशन लगा के ना, हम लास्ट प्रोडक्ट लगा के हम यहीं पे वॉश कर लेंगे। 15 मिनट छोड़ना पड़ेगा, राइट? जी, ठीक है। और ये हम लोग क्या लास्ट वाला प्रोडक्ट कौन सा है हमारा? ये शाइनिंग के लिए लगा रहे हैं, जिससे बालों में अच्छी शाइनिंग रहेगी, सॉफ्ट रहेंगे, स्मूथ रहेंगे बाल। ओके, और क्या प्रोडक्ट का कुछ नाम? प्रोडक्ट का नाम जो हमने अभी यूज किया था नैनो प्लास्टिका का, उसी का लास्ट स्टेप रहता है। ओके ओके, मास्क काइंड ऑफ या मास्क। ओके, सो अभी हमारा लास्ट वाला प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं या इसको हमें 15 मिनट्स लगे हुए ऐसी लीव कर देना है, उसके बाद ये प्रॉपर वॉश होगा, राइट? हाँ जी। तो जो वॉश करोगे सिर्फ शैम्पू करोगे कि फिर कंडीशनर भी करोगे या मास्क भी लगाओगे? मास्क लगाएंगे इसमें। ये ही मास्क है क्या? ये उसका प्रोडक्ट का मास्क है, हम इसके बाद अलग से मास्क लगाएंगे। उसको भी छोड़ना है? नहीं, इनको छोड़ना नहीं है। ओके, ठीक है, कंटिन्यू वॉश करना है। ओके, सो फाइनली हम लोग लास्ट वाला वॉश ले रहे हैं, अब लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसा रहता है, देखते हैं। हाँ, फाइनल वॉश हो चुका है, अभी इसको ब्लो ड्राई करेंगे। मुझे लेट हो गया, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा था ना, इनकी टीम इतनी अच्छी कि सब मिलके मुझे एक साथ पे ब्लो ड्राई कर रहे थे। सो हो चुका है पूरा प्रोसेस, और आप देख सकते हैं विदाउट ब्लो ड्राई सेटिंग और विदाउट स्ट्रेटनिंग कुछ ऐसा लुक है। तो चलिए मैं जाती हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स भी मैंने लिए हैं।
एक हफ्ते बाद जब मैं प्रॉपर वॉश करूंगी घर पे, वो आपको कुछ कुछ जगह ट्रांजिशन दिखाता है ना सलून से करके जो वहाँ पे अलग हो जाता है, तो मैंने सोचा एक हफ्ते बाद जब मैं खुद वॉश करूंगी उसके आप अभी का और उसका एक साथ क्लिप ऐड कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप एनी टाइम कभी भी आप डाल सकते हैं, ऐसे ही दिखेंगे ये अपने सब्सक्राइबर को हम बताएंगे। और अगर आपको ये ट्रीटमेंट लेना है तो हबीब स्मृति नगर, राइट, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं फर्स्ट फ्लोर में। बाकी आई गेस थैंक यू इतने अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, समय बहुत लगता है तो पेशेंट्स के साथ है। चलिए वेलकम, थैंक यू। सो हेलो, ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ आई गेस एक हफ्ते बाद, जो मैंने अभी आपको पूरा व्लॉग आपने देखा ना उसका, मेरे हेयर नैनोप्लास्टिक का। तो मैंने सोचा कि सलोन से निकलने के बाद सबके बाल ही सेट दिखते हैं, तो मैं आपको एक हफ्ते रुक जाऊंगी ये व्लॉग डालने में और आपको दिखाऊंगी कि विदाउट सलोन जब मैंने घर में वॉश किया फिर मेरे बाल कैसे दिख रहे थे। तो ये देखिए कुछ ऐसा टेक्सचर है इसका, स्ट्रेट पोकर स्ट्रेट लुक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो नहीं आता इससे, इस ट्रीटमेंट से। बट हाँ, जो मेरा सबसे बड़ा मेजर कंसर्न था कि एकदम से ड्राई रफ और फंस जाते थे, तो वो 85% तक सॉर्ट हो गया है। जो कलर वाला थोड़ा थोड़ा एरिया है, जो ऑफकोर्स गलती है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी, जो भी हुई थी जब भी हुई थी, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बचा है। दिन में एक आध बार ऐसे कर लो तो नॉर्मल हो जाता है। बट हाँ, मुझे, मैं इस ट्रीटमेंट से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। स्ट्रेट तो नहीं मिले बट सॉर्टेड और हेल्दी हो गए हैं हेयर, और इपोकर स्ट्रेट नहीं मिले बट एनीवेज नॉर्मल, जो नेचुरल स्ट्रेट बोलते हैं ना, नेचुरल स्ट्रेट वाला लुक आया है। तो जिसको भी अपने हेयर हेल्दी फ्रिज फ्री सॉफ्ट और नेचुरल स्ट्रेट है, अगर ये सारे कंसर्न्स हैं और तो आप ये बिल्कुल करा सकते हैं। हाँ, पोकर स्ट्रेट वाले कंसर्न से आप करा रहे होंगे तो प्लीज इस ट्रीटमेंट में मत जाइए। बाकी मैं इस ट्रीटमेंट में को दूंगी 10 में से 9 या 8.5, बिकॉज हाँ मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये ट्रीटमेंट। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और प्लीज बताइएगा अगर आपको कुछ और, अगर आपको कुछ और आपके कंसर्न्स होंगे, जैसे चाहे वो हेयर ट्रीटमेंट्स को लेके हो या फेस ट्रीटमेंट्स को लेके हो, मैं ज़रूर कंसर्न पर्सन के पास या खुद पे अगर ट्राई कर पाई तो वो ट्रीटमेंट खुद ट्राई करके आपको फीडबैक ज़रूर दूंगी। और ये सामने से भी आप टेक्सचर इसका देख लीजिए, शाइन और हेल्दी से काफ़ी हद तक लग रहे हैं, और इसमें गलती मतलब शायद इससे और अच्छा रिजल्ट आता बट मेरे बाल इतने ख़राब हो चुके थे ना, मतलब लेंथ अच्छी थी बट ड्राई और फ्रिज फ्री हो चुके थे। तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ, ये मेरे पुराने से बाल हैं 90% तक। सो थैंक यू हबीब, थैंक यू जिन्होंने किया। और इससे रिलेटेड और भी अगर आपको कोई क्वेरीज होंगी, सलोन मेरे पास में है, मैं आपके पास में हूँ, तो प्लीज सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और मैं जरूर आपको बताऊंगी। ओके, टिल देन डू लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।